आपके साथ। अक्षय कुमार इन दिनों फ्लॉप फिल्मों के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में उन्होंने पैडमैन, टॉयलेट और ओ माय गॉड 2 जैसी सोशल कॉज और टैबू सब्जेक्ट पर बनने वाली कई फिल्मों में काम किया है। इसी बीच एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि इंडस्ट्री के कई लोगों और उनके दोस्तों तक ने उनकी फिल्म चॉइस को लेकर सवाल किए हैं। एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा, मैंने सोशल कॉज वाले टॉपिक पर कई फिल्में की है। इस दौरान इंडस्ट्री के कई दोस्तों और लोगों ने मुझसे कहा कि तुमको सैनिटरी पैड पर फिल्म क्यों बनानी है, क्यों तुमको टॉयलेट पर फिल्म बनानी है। एक्टर ने आगे कहा, जब मैंने सेक्स एजुकेशन पर फिल्म बनाई तो कई लोगों ने मेरा विरोध किया। उन्होंने कहा कि सेक्स के बारे में बात करना बुरा है, पर मैंने इन फिल्मों को किया क्योंकि मुझे वो कहानियाँ पसंद आई। आगे भी कोई ऐसी कहानी पसंद आएगी तो मैं फिर करूँगा। वहीं जब अक्षय से पूछा गया कि वो कौन सी फिल्म है जिस पर आपने अपने पूरे करियर में सबसे ज़्यादा मेहनत की हो पर फिल्म को क्रेडिट नहीं मिला हो, इसके जवाब में एक्टर ने हालिया रिलीज फिल्म सरफिरा का नाम लिया। अक्षय ने कहा, सरफिरा पर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, पर ऐसा होता है कभी कभी आप किसी फिल्म पर बहुत काम करते हो पर ऑडियंस से आपको उस हिसाब का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन सरफिरा अब तक मेरी हुई बेस्ट फिल्मों में से एक है। अक्षय ने अपनी अपकमिंग फिल्म खेल खेल में के प्रमोशन में बिजी हैं। 15 अगस्त को रिलीज होने वाली इस फिल्म में अक्षय के अलावा फरदीन खान, तापसी पन्नू और वाणी कपूर समेत कई कलाकार नजर आएंगे। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।